चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ युवा है। पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव से जुड़ी जरूरी अपडेट्स के साथ द वायर इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने वाली वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल हो गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने निर्भया की वकील को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 70 में से 59 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश के वर्तमान और सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भाजपा ने खटीमा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। 5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को अपने 3-3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलने पड़े और अब पार्टी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव में जा रही है। हालांकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उत्तराखंड के सीएम के काम के दम पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य। बीजेपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की नारी शक्ति की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को अपने पाले में कर चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस से नाराज महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका ने पार्टी पर टिकट धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा झटका लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के बाद अब राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनजीत नारायण प्रताप उर्फ आरपीएन सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वह गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भीम आर्मी चीफ ने 18 जनवरी को यूपी की 33 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। जैसे जैसे पार्टियां टिकट की घोषणा कर रही हैं, वैसे वैसे टिकट के उम्मीदवारों की और उनके समर्थकों की असंतुष्टि बाहर आ रही है। यूपी के बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस प्रत्याशी हरिओम दुबे के समर्थकों ने पार्टी के पोस्टर बैनर जलाकर विरोध जताया है। समर्थक क्यों नाराज हुआ आपके? वो टिकट न मिलने की वजह से नाराज हुए। पिछले 5 वर्ष से लगातार पार्टी में दिन और रात एक कर रहा था और टिकट पैरासूट प्रत्याशी को दिए जाने की वजह से ये रोष था कार्यकर्ताओं में। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी है। समझौते के तहत बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी संयुक्त अकाली दल ढींडसा 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोरोना की तीसरी लहर जारी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी संक्रमित मरीजों की संख्या भी 250 के पार हो चुकी है। ऐसे में जिले के सांसद नकुल नाथ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत पहले वहां आने वाले थे, लेकिन पहले कमलनाथ जी की सरकार गिर गई, बाद में कोविड की पहली और दूसरी लहर के कारण वे कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आ सके। नकुल नाथ बोले, मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा कि मेरा कार्यक्रम बनाइए, तो उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और पूरे जिले में धारा 144 लगी हुई है, तो मैंने कहा कि मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई धारा 144 से भी डर नहीं है। तो जब मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा कि मेरा कार्यक्रम बनाइए, तो इन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, पूरे जिले में 144 लगी हुई है। मैंने कहा मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। मुझे तो अपने कार्यकर्ता भाई, अपने परिवार के सदस्यों को मिलना है। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर उन्होंने अपने फैसले के बारे में जानकारी दी। पार्टी अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य में नेतृत्व युवा हाथों में है, ऐसे में बदलते हुए राजनीतिक परिस्थितियों में मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अपने पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा। कांग्रेस ने आगामी मणिपुर चुनाव 2022 के लिए 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में ओकराम इबोबी सिंह का नाम भी है। पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी थौबल से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। सपा ने शनिवार को उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। साथ ही जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सपा ने एक बार फिर पुराने प्रत्याशियों पर ही दांव खेला है। इसमें से 2 वर्तमान में सपा के टिकट पर विधायक हैं तो 1 पूर्व विधायक हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में उस वक्त सियासी पारा चढ़ता नजर आया जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कैराना सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पश्चिमी यूपी में पलायन के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहे इस शहर में अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया। उन्होंने लोगों को बीजेपी के लिए मतदान करने की अपील से जुड़े पर्चे बांटे और इस दौरान अमित शाह ने मास्क नहीं लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चुनाव आयोग के नियम कायदों की धज्जियां भी उड़ाई। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के बीच उठापटक का दौर जारी है। प्रदेश में फिर से सत्ता में लौटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी इन दिनों छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। इसी बीच सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर खबर पक्की नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव सपा व प्रसपा गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। चाचा भतीजे की जोड़ी सीट पर जीत हासिल करने के लिए सारे जोर लगा रही है। शिवपाल की सीट पर पहले से ही बहुत पकड़ है। वे 1996 से यहाँ से विधायक रहे हैं। उनसे पहले 4 लगातार टर्म्स के लिए इस सीट से मुलायम सिंह यादव विधायक रहे थे। चुनाव से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही साथ आप तक द वायर द्वारा लिए जा रहे इंटरव्यूज और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम इसमें शामिल करेंगे। देखते रहिए द वायर का इलेक्शन बुलेटिन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.